दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से फेसबुक पेज पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं और उस गेम की लाइव को अपने फेसबुक पेज पे मोबाइल से ही कर पाएंगे एक प्रोफेशनल वे में, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप ओवरले ऐड कर सकते हैं और भी कई सारे फीचर्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपने फेसबुक पेज पर मोबाइल से ही लाइव करना है। तो दोस्तों हमें कैसे अपने मोबाइल से अपने फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम करना है ये जानने के लिए हमें चलना होगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आइए चलते अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं सिंपली अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आपको अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन से प्रिज्म लाइव स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों प्रिज्म लाइव स्टूडियो ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि कंटिन्यू विद फेसबुक गूगल ट्विच। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है गूगल से या फिर फेसबुक से। जब दोस्तों यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद में कुछ आपकी परमिशंस यहाँ पे मांगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पे सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली फिर से इसे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक परमिशन देना होगा डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का, तो आपको सिंपली यहाँ से इसे ऑन कर देना है। दोस्तों ऑन करने के बाद में आपको सिंपली फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो सिर्फ यहाँ पे जैसे आप लोडो वगैरह की लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे पबजी या फिर फ्री फायर वगैरह यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको सिंपली लैंडस्केप पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोन होगा वो रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन कैप्चर का। दोस्तों अगर आप इस पर एक टैप करते हैं तो यहाँ पे इतनी स्क्रीन मेरी जो होगी वो लाइव होगी, लाइव गेम प्ले वहाँ पे दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है चैट का। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैट है इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ पे इसे रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आप दूसरी लेयर ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इमेज का। दोस्तों यहाँ पे कोई अपना इमेज वगैरह या फिर आउटरो वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाला एक थंबनेल ऐड करके आपको बता दे, जैसे कि दोस्तों मैं ये वाला थंबनेल यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना चाहता हूँ। आप दोस्तों जहाँ भी चाहें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लेयर भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वेब का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप कोई अलर्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपका फॉलो वगैरह करेगा तो वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लास्ट में वीट्यूबर। दोस्तों आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना अवतार सेलेक्ट करके आप अवतार भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी लाइव स्ट्रीम में वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में इतना करने के बाद में आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों अगर आप अपने अवतार को यहाँ पे कुछ कस्टमाइज करना चाहते तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन जो दिख रहे हैं कैमरा स्क्रीन वीट्यूबर, तो आपको सिंपली वीट्यूबर पर क्लिक कर देना है। वीट्यूबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चेंज और अपडेट योर अवतार पर क्लिक करना है। चेंज और अवतार पे अपडेट पे क्लिक करने के बाद में कहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे मोशन पे क्लिक कर देना है। मोशन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है स्पीकिंग डिसेबल, तो दोस्तों अगर आप इसे चाहें तो ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपनी स्पीकिंग को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद में आप अगर इसे इनेबल कर देते हैं तो जैसे ही आप बोलेंगे तो यहाँ पर वो भी आपके साथ साथ बोलेगा। उसके बाद में आपको सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद में अब यहाँ पर जैसे ही आप जिस तरीके से बोलेंगे वो वहाँ पर भी बोलेगा। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है। होने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे
लेफ्ट कॉर्नर में आपका एक ऑप्शन आ रहा है सेट डेस्टिनेशन, आप उसमें प्लीज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके आ जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मुझे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करना है, तो मैं सिंपली फेसबुक पे क्लिक कर लेता हूँ। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं, कनेक्ट फेसबुक, फेसबुक कस्टम ITMP। दोस्तों यहाँ पे अगर आप विदाउट लॉग इन करके लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे कस्टम ITMP सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कस्टम ITMP पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी यहाँ पे फेसबुक ID लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे फेसबुक ID अपनी लॉगिन कर देना है। दोस्तों आप फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी फेसबुक ID का नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे लोगो वगैरह आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह दिख जाएगी। बट अगर आपको फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको यहाँ पे माई पेज पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितने भी आपके फेसबुक पेज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जिस भी पेज पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं आपको सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे राज गेमिंग पे करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको सिंपली ओके कर देना है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा यहाँ पे पेज का नाम आ गया है और यहाँ पे मेरी DP भी दिख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लाइव स्ट्रीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रेजोल्यूशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही अच्छी है तो आपको यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे आपको कम ही रखना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक अपने आप से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है, प्लीज इंटर द टाइटल, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने लाइव स्ट्रीम का टाइटल दे देना, जो भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल देना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लाइव यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको सिंपली डन कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग हो जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे कैंसिल पे एक बार क्लिक कर देना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फिर से इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने जो टाइटल इंटर किया था यहाँ पे सारा सब कुछ आपका हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ इस लोगो पे क्लिक करने से पहले आपको जिस भी गेम की लाइव स्ट्रीम करना है उसे आपको बैकग्राउंड में ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट टू सेव द लाइव वीडियो ऑन द डिवाइस। तो अगर आप इस यस कर देते हैं तो जो आप लाइव वीडियो करेंगे तो वो आपकी डिवाइस में भी सेम होगा। बट वहाँ पे ये देखिए जैसा कि आप पढ़ सकते हैं ये आपका फ़ोन ओवरहीट हो सकता है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और क्वेश्चनिंग विद प्रिज्म लाइव। दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 सेकंड बाद आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी वो आपके फेसबुक पेज पे स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कट हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा लास्ट में। दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद में अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन सेवर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट द स्टाइल। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे इंड करना है लाइव स्ट्रीम को तो आपको लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना, जो कि इस तरीके के आपसे स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद में अगर आपको बीच में कहीं स्टॉप करना होगा तो आपको लास्ट से सेकेंड वाले आइकन को क्लिक कर लेना है, जो कि आपको इस तरीके के आपकी लाइव में दिख जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना गेम को इंजॉय करना है, यहाँ पे आपको अपने गेम को खेलना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी लाइव स्ट्रीम को इंड कैसे करना है। दोस्तों इंड करने के लिए यहाँ पर जो आपका प्रिज्म लाइव स्टूडियो का लोगो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओपन प्रिज्म लाइव पर क्लिक कर देना है। ओपन प्रिज्म लाइव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में सबसे ऊपर इंड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम होगी वो यहाँ पे इंड हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी लाइव स्ट्रीम है वो हुई थी कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा मेरा फेसबुक पेज है राज गेमिंग। उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना गेम पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं राज गेमिंग यहाँ पे लाइव चल रही थी 3 मिनट पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए मेरी यहाँ पे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी। अब दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि हमारा यूजर नेम है TechWithJiten। दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं अपने मोबाइल से ही तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं एक साथ में तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हमें, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।